राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आम है। विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर तानाशाही से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी छीनने के आरोप में कई बार लगाए हैं, लेकिन अब इन आरोपों की गंभीरता बढ़ती जा रही है। वहीं अब न केवल विपक्षी नेता बल्कि विदेशी एजेंसियां भी मोदी सरकार की तानाशाही पर सवाल उठाने लगी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की तानाशाही के चर्चे आम हो गए हैं। अब देश विदेश में मोदी सरकार की करतूतों का भांडा फूट गया है। मोदी सरकार देश में लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का काम कर रही है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों के अकाउंट्स पर बैन लगवा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कुछ अकाउंट और पोस्ट हटाने का आदेश दिया। एक्स ने अपने ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर्स अकाउंट के माध्यम से बताया, भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं जिसमें कुछ एक्स अकाउंट खातों और पोस्टों की कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही सख्त चेतावनी भी दी गई है। इस आदेश के बाद एक्स ने इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में रोक दिया है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं, इसलिए ये पोस्ट और अकाउंट सिर्फ भारत में नहीं दिखेंगे। हमारा मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए। अब इसे लेकर दावा यह भी किया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर अकाउंट किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। और इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी सैकड़ों अकाउंट और लिंक ब्लॉक करने का आदेश दिया था। एक्स के इस बयान के बाद देश की जनता में, खासकर किसानों में, मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ मोदी सरकार किसानों को उनके हक के लिए विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही और अब उनकी आवाज को दबाने की साजिश रच रही है। एक्स के इस खुलासे के बाद अब इन गंभीर आरोपों से मोदी सरकार कैसे बचाएगी अपना दामन, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।